हो गई ना, कोई बात नहीं। वेल, आप लोगों ने उदयपुर में क्या क्या देखा है? सिटी पैलेस देख लिया, लेक पिछुला देख लिया, फतेह सागर भी देख लिया, और हमने एक्सप्लोर करवाया हुआ ट्रिब्यूट रेस्टोरेंट भी देख लिया। और ट्रिब्यूट की तरह और भी बहुत सारे ऐसे हिडन प्लेसेस हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है, जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता। बट नॉट टू वरी, उसके लिए तो हम लोग है ना। सो आज हम ऐसी ही एक अनएक्सप्लोर्ड जगह पे आए हैं जो हम आपको एक्सप्लोर करवाने वाले हैं। सो लेट्स गो। उदयपुर के वेस्ट में लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे आया शिल्पग्राम विलेज आर्ट और क्राफ्ट्स के गांव के नाम से जाना जाता है। ये गांव कला और संस्कृति को दर्शाता है। वी आर हियर एट द शिल्पग्राम। शिल्प मतलब की कला, क्राफ्टिंग। और यहाँ पे राजस्थान के पूरे आर्ट एंड क्राफ्ट को यहाँ पे डेपिक किया जाता है शिल्पग्राम में। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अर्थन पोर्ट्स वगैरह, इवन कुकिंग यूटेंसिल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो आज के ज़माने में कहीं पे भी यूज़ नहीं होते हैं। सो राजस्थान इज ऑल अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट ना, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी क्राफ्टिंग की चीज़ें, क्राफ्ट हाथों से क्राफ्ट की हुई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं और आप उसको खरीद भी सकते हो। हैंडीक्राफ्ट्स विलेज के नाम से जाने जाते हुए शिल्पग्राम विलेज में अराउंड 26-30 छोटी छोटी झोपड़ियां हैं। ये झोपड़ियां घरेलू सामानों से भरी रहती है। ये झोपड़ियां सारे राज्यों को रिप्रेजेंट भी करती नजर आती है। हर सुविधा को ध्यान में रखकर ये झोपड़ियां बनाई गई है। और तो और, इन झोपड़ियों में आपको हेरिटेज की झलक देखने मिलेगी। इन सब में से 5 झोपड़ियां ऐसी भी हैं जो मेवाड़ के वीवर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, गोवा के कल्चर को भी रिप्रेजेंट करती हुई ये झोपड़ियां बनाई हुई है। अभी अभी मुझे पता चला कि इसको ना मैजिक दिया बोलते हैं। अब ये मैजिक दिया वर्क कैसे करता है, चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं। अब भैया बताइए मुझे कैसे काम करता है। इसमें क्या है कि पीछे की साइड से इधर सोन भरेंगे। यार तो काना है ना। हाँ, ये इसमें तो वापस रिटर्न में नहीं आएगा, इसीलिए मैजिक ऑयल जादू का दिया रखा है। ओके, जैसे मैं डंडी दे रहा हूँ पानी में डाल के अपने कोल कर वापस नहीं आएगा। सामने से कोटन लगाना है, पत्ती वाली, और जलाना है। पूजा पाठ में, घर मंदिर में, किसी गिफ्ट करने में कभी भी काम में ले सकते हैं। अगर निकालना हो तो इधर से आएगा। शिल्पग्राम में आर्टिस्ट एंड आर्टिशियंस शिल्प दर्शन में अपने काम को दिखाते हैं। यहाँ इस विलेज में वो अपने हाथों से बनाई हुई चीजें भी बेचते हैं। कहा जाता है कि ईयर 1989 में शिल्पग्राम की नींव रखने के दौरान गुजरात के हकुभाई शाह ने पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सदस्य राज्यों की 31 झोपड़ियां बनाने की कल्पना की थी। तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह एक रिच और कल्चरल हेरिटेज साबित हो सकता है। उस समय इन झोपड़ियों के डिजाइन में ओरिजिनलिटी लाने के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और आर्टिशियंस को रखा गया। ये ट्रेडिशन आज भी यहाँ देखने मिलता है।
क्राफ्ट्समैन को वर्कशॉप्स एंड कैंप्स के लिए बुलाया जाता है और उनके मास्टरपीसेस को क्राफ्ट्स म्यूजियम में डिस्प्ले भी किए जाते हैं। हर साल शिल्पग्राम महोत्सव दिसंबर में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां अलग अलग राज्यों से अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां एक एयर एम्फीथिएटर भी है जो कि शिल्पग्राम का मेजर अट्रैक्शन है, जिसकी कैपेसिटी अराउंड 8,000 पीपल है। सारे फेस्टिवल्स के दौरान फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मेंसेस इसी एम्फीथिएटर में होते हैं। पूरा घूम के ना बहुत थक चुकी हूँ, तो आप थोड़ी पेट पूजा भी कर लीजिए। तो क्यों ना शिल्पग्राम में आके शिल्पग्राम में ही राजस्थानी कुजीन ट्राई किया जाए। सो लेट्स गो।